गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग चैप्टर 3 को पढ़ रहे थे जिसमें हमने क्रिएटिंग ए न्यू डॉक्यूमेंट्स पढ़ा, राइटिंग टेक्स्ट इन वर्ड पढ़ा। जैसे कि हमें डॉक्यूमेंट्स को कैसे नया डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना है या फिर हमें कैसे लिखना है उसके बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे सेविंग ए डॉक्यूमेंट। जब कोई डॉक्यूमेंट को हम लोग तैयार करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, तो उसको सेव करके रखते हैं ताकि आगे दिन हमें फिर से काम आए। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। आफ्टर वर्किंग ऑन द डॉक्यूमेंट वी शुड सेव इट प्रॉपरली सो दैट इट कैन बी एक्सेस्ड वेन एवर रिक्वायर्ड। जब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स का कार्य पूरा करके कंप्लीट कर लेते हैं तो हमें इसे सेव करना जरूरी हो जाता है। तो हमें सेव क्यों करेंगे? सेव इसलिए करेंगे कि जब हमें कभी इसकी ज़रूरत हो तो फिर से हम इसे खोल के ओपन करके देख सकते हैं। वी मस्ट सेव आवर फाइल विथ ए नेम। हम लोग अपने फाइल को एक नाम दे करके सेव करेंगे दैट कैन बी इजली रिमेम्बर विथ फाइल एक्सटेंशन, ताकि वो एक फाइल बन के हमेशा हमें याद रहे कि हमने ये फाइल का नाम दिया था और सेव किया था। द थ्री मेन मेथड्स ऑफ सेविंग द फाइल आर। एक फाइल को सेव करने का तीन तरीका है। फर्स्ट है क्लिक द सेव बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि क्विक एक्सेस टूल बार हमें कहाँ मिलता है? टाइटल बार में। टाइटल बार में क्विक एक्सेस टूल बार मिलेगा, उसमें हमें उस पर क्लिक करेंगे तो सेव ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो सेव एस डायलॉग्स खुलेगा और उसमें नाम डाल के हम लोग सेव करेंगे। दूसरा तरीका है प्रेस कंट्रोल की प्लस एस ऑन द कीबोर्ड। दूसरा तरीका है हम लोग कीबोर्ड से भी सेव करते हैं। कैसे? कंट्रोल बटन को एक हाथ से दबाएंगे, एक उंगली से, और एस बटन को दबाएंगे, एक साथ दोनों को दबाएंगे तो सेव एस का जो है वो डायलॉग बॉक्स पर खुलेगा, दैट विल सेव द फाइल टू एन अप्रोप्रिएट लोकेशन। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करेंगे हमें किस जगह पे सेव करना है, लोकेशन उसका डालेंगे। उसके बाद या फिर तीसरा तरीका है क्लिक ऑन फाइल। फाइल टैब में जाके क्लिक ऑन सेव में क्लिक करेंगे, डबल क्लिक द ऑप्शन दिस पीसी सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन अप। सेव में क्लिक करने के बाद एक सेव एक्स का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। सेव द फर्स्ट सेव द फाइल एट एन एप्रोप्रिएट लोकेशन। उसको लोकेशन, सही लोकेशन डाल के उसको पहले उसमें सेव करेंगे एंड गिव ए नेम टू द डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट को एक नाम देंगे। एंड स्टेप 6 में है क्लिक द सेव बटन, उसके बाद हमें सेव कर देना।